शुरू में अथॉरिटीज़ ने उनको काफ़ी डरा के रखा था कि कोई बात नहीं करेगा। एंड मतलब शुरू के 1-2 महीने तो ऐसा होता था कि मैं, वो लोग बाहर बैठे होते थे, मैं उनके पास जाके बैठता था तो वो उठ के चले जाते थे वहाँ से। सो वो बेल रोकने के लिए लगाए थे, तो वहीं तक क्वेश्चन था कि बिकॉज मुझे ये तो अभी भी श्योर है कि ये केस बेल तक ही था, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे मेरी वाइफ का बीमार होना, ये 2002 से उनको बीमारी है एंड डॉक्टर हैज़ इन 2002 ओनली हैज सजेस्टेड मी दैट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उनको, तो MS की का एक ही सॉल्यूशन है, कोई इसका क्योर तो है नहीं, कि हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। जब आप किसी ऑफिसर को, एजेंसी को पावर टू अरेस्ट देते हैं और फिर बेल के कंडीशन इतनी स्ट्रिक्ट बना देते हैं कि इतनी मुश्किल से बेल होती है, फिर जाके उसमें सख्त से सख्त कानून बनाते हैं बेल को लेके भी, फिर आपको ऑफिसर की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। सो बेसिकली पिछले 17 महीने से बार बार अलग अलग कोर्ट्स में रिजेक्शन हो रहा था, और फॉर ऐसे ग्राउंड्स पे हो रहा था जो ED और PCBI रख रही थी, जिनका कोई बेस नहीं था। तो उसमें एक थोड़ी सी कई बार लगता था कि अब भी होगी कि नहीं होगी इस बार, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि मतलब लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशंस, मतलब जो इश्यूज उठाए थे कि डिले होगा तो आपको 3 महीने बाद कर देना, दैट वाज वेरी स्पेसिफिक, और सेक्शन 45 वाज द मेन इशू। मतलब कुछ भी अगर क्वेश्चन थे तो सेक्शन 45 की वजह से ही थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ऐसे कानून मेरे ऊपर लगाए जो बेल ना हो सके। आई मीन जनरली दुनिया भर में ये कानून बने आतंकवादियों के लिए, ड्रग फंडिंग के लिए, को रोकने के लिए, पर उन्होंने अपोनेंट पे, पॉलिटिकली अपोनेंट पे ऐसे कानून लगा दिए। सो वो बेल रोकने के लिए लगाए थे, तो वहीं तक क्वेश्चन था कि बिकॉज मुझे ये तो अभी भी श्योर है कि ये केस बेल तक ही था, पहले से मतलब मुझे था कि कुछ है तो है नहीं, बस इन्होंने सेक्शन 45 PMLA लगा के, मैंने PMLA लगा के मेरे ऊपर और मुझे अंदर बंद कर दिया है, तो जब मैं बाहर निकलूँगा तो उसके बाद में तो ये केस तो बेल तक ही है। जब मैंने सुना ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर, तो मतलब एक कॉन्फिडेंस सा बना कि देश में अभी भी ये लोग कितने ड्रकोनियन लॉ अपोनेंट्स के ऊपर लगा लें, देर आर कोर्ट्स एंड देर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई पर्सनली ग्रेटफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मज़ा आ गया। दिस वॉज द थिंग दैट बाबा साहब और अदर पीपल हु वर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव थॉट ऑफ व्हेन गिविंग अस पावर्स, एम्पावरिंग द ऑर्डिनरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 21, तो आई वॉज ग्रेटफुल टू दैट। इट्स वेरी नाइस, आई मीन वहाँ पे बड़ा लिमिटेड वॉल्स के बीच से लिमिटेड स्काई देखने को मिलता था, वहाँ ऐसा लगता था कि भाई जो दुनिया जिससे हम सब बिलोंग करते हैं वो बाहर, इस चैल की बाहर है कि नहीं है, या है वो ड्रीम थी। तो बट इट वॉज गुड, एंड फैमिली से मिलना वापस विदाउट कॉप्स, विदाउट कस्टडी, बाकी लोगों से मिलना, एंड फ्री टू वर्क, फ्री टू थिंक एंड वर्क इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी फील लाइक, तब यही अचीवमेंट है। थोड़ा सा फॉर जेल अथॉरिटीज ने फॉर वॉट एवर रीजन प्लस सम सिक्योरिटी रीजन्स मुझे काफ़ी कन्फाइंड करके रखा हुआ था एक वार्ड में, और मुझे मान लीजिए मेडिकल इश्यूज थे या मुझे VCs वगैरह करनी होती थी लीगल मीटिंग वगैरह के लिए, तो ऑफिसर्स और मतलब उनके सिक्योरिटी एस्कॉर्ट करके लेके जाती थी, तो आई वॉज नॉट फ्री टू रोम अराउंड, बट विद इन द वार्ड देर वर ऑड 5-6 पीपल जिनके साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होता रहता था। शुरू में अथॉरिटीज़ ने उनको काफ़ी डरा के रखा था कि कोई बात नहीं करेगा, एंड मतलब शुरू के 1-2 महीने तो ऐसा होता था कि मैं, वो लोग बाहर बैठे होते थे, मैं उनके पास जाके बैठता था तो वो उठ के चले जाते थे वहाँ से। तो मैंने उनसे पूछा, यार उठते क्यों हो? तो किसी ने बोला, जी हमको प्रशासन ने मना किया हुआ है आपसे बात करने के लिए। तो देन आई स्पोक टू द ऑफिसर्स, मैंने कहा व्हाई आर यू पनिशिंग मी, दिस इज़ ए पनिशमेंट कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, कोई मेरे से बात नहीं करेगा। कोर्ट ने तो ऐसा नहीं बोला है, कोर्ट ने तो मेरे को केवल कस्टडी में रखने के लिए बोला है। हाउ कैन यू पनिश मी लाइक दिस कि कोई मेरे से बात नहीं करेगा, और उसके ऊपर से जिस सेल में मैं बंद था, मैं अकेला ही बंद था उसमें, 15 घंटे तो वो लॉक ही रहती है, तो 15 घंटे तो लॉक रहती है, वो दिन में 8-9 घंटे के लिए खुलती है, तो आप 15 घंटे तो वैसे ही एक सेल में हो, 8-9 घंटे आपको जो बाहर मिल रहे हैं
छोटे से वार्ड में इतना ही कॉम्प्लेक्स था जितना इस घर का बाहर वाला, समझ लीजिए। तो उसमें भी आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आपने डरा रखा है। मैंने दिस इज़ पनिशमेंट फॉर मी, ए बी। वहाँ पे जो सेल में टीवी लगा हुआ था उसमें न्यूज़ नहीं आती थी, न्यूज़ चैनल ही नहीं था कोई। हाँ, तो मैं उनसे पूछता था भाई न्यूज़ चैनल क्यों नहीं है, न्यूज़ चैनल तो होना चाहिए। तो बोले जी पहले होता था और दिल्ली रॉयट्स के वक्त हमने बंद कर दिए थे और तब से ऊपर से बंद हैं, सारी जेलों में बंद हैं। तो इट टुक, मतलब मैं भी बहुत लोगों को लिखा, फिर बहुत सारे और भी इनमेट्स कहते थे कि भाई न्यूज़ तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगले दिन अखबार से पता चलता था कि हो क्या रहा है, टीवी तो बिल्कुल गायब था। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट बहुत लोगों ने की होंगी मुझे लग रहा है। उसके बाद मेरे ख्याल से करीब करीब मेरे बंद होने के 5-6 महीने बाद न्यूज़ चैनल चालू हुए थे वहाँ पे। अच्छा, तो अभी एक न्यूज़ चैनल वहाँ पे अवेलेबल होता है अंदर। कौन सा? आई टेल यू, बट आज तक होता है बेसिकली। अच्छा, अच्छा, okay. तो वो देखता था फिर, बट यू सी मुझे ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोई वहाँ बहुत लोगों से कुछ इंटरेक्शन करना है या कुछ है। मैं बहुत सारी किताबें लेके गया था, मैं खरीदने का, मुझे बीमारी है किताब खरीदने की, आई कैन से। मैं किसी भी शहर में जाता था तो वहाँ से कुछ कुछ किताबें खरीदता था, और एजुकेशन की बहुत सारी किताबें खरीद के रखी हुई थी मैंने, जो मैं धीरे धीरे पढ़ पा रहा था, तो वो मैंने पढ़ डाली सारी। फिर मेरे पर्सनल लाइफ में स्पिरिचुअल इंटरेस्ट्स हैं, तो वहाँ तो जब से ये थोड़ी थोड़ी समझ बननी शुरू हुई कि हमारे वेद उपनिषदों में या गीता में इतना ग्रेट नॉलेज है, तब से उसको इन डेप्थ पढ़ने का समय नहीं मिलता था। तो उसको फिर मैंने इन डेप्थ पढ़ने की, समझने की, अपने ऊपर उसको, मतलब अपने रेफरेंस में उसको समझने की काफ़ी कोशिश की। ये बस अब जेल की ज़िंदगी का एक बड़ा अलग पहलू है ये, कि व्हेन यू आर लॉक्ड इन, तो यू आर लॉक्ड इन टू अ सेल, और उस सेल में भी सीसीटीवी लगा हुआ है, बारिंग 1 मीटर कॉर्नर जहाँ वॉशरूम कॉर्नर है उस सेल का, उसको छोड़ के पूरा सीसीटीवी सेल में आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, आप बनियान में बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बीइंग वॉच्ड। और मुझे सब लोग बताते थे आके कि आपका तो सीसीटीवी बिल्कुल वहाँ देखा जा रहा है, इसलिए कोई बात भी नहीं करता था वहाँ से, क्योंकि पूरे वार्ड के सीसीटीवी बताते थे मुझे, तो क्योंकि मैं तो गया नहीं। बोले कि सुपरिटेंडेंट के रूम में और जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है वहाँ पे और डीजी ऑफिस में, स्पेशली एक टीवी पे आपके वार्ड के सारे सीसीटीवी ऑन करके रखे हुए हैं, तो इट्स बीइंग वॉच्ड। सो एक अलग तरीके की कॉन्शियसनेस थी। इट इज़ बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग, आप कैसे सो रहे हो, एटलीस्ट एक, मतलब इट्स हार्ड टू एक्सप्रेस कि आप कपड़े चेंज कर रहे हो, आप खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप उस, आप 15 घंटे तो सेल में बंद हो, 15-16 घंटे तो आप उस विद इन 5-6 मीटर वॉक करे जा रहे हो, एवरीथिंग इज़ बीइंग वॉच्ड। तो ये बड़ा अजीब सा लगता था। अब वो ऑफकोर्स मेंटली इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग। नो, ये जेल्स तो डिफरेंट हैं, दे आर हाईली सेपरेट जेल्स, एकदम दे डोंट टॉक टू ईच अदर, फॉरगेट अबाउट इनमेट्स, ऑफिसर्स ऑल्सो आर डिफरेंट ग्रुप्स, सो दे ऑल्सो डोंट टॉक टू ईच अदर, मतलब उनके बीच नहीं, जेल्स एकदम सेपरेट यूनिट्स हैं वहाँ पे, देर इज तिहाड़ कॉम्प्लेक्स एंड देन देर आर जेल्स 1, 2, 3, 9। सो मैं जेल नंबर 1 में था, वो अक्रॉस द वॉल, वो बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, उसके दूसरी तरफ दूसरी जेल में थे। देखिए, एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, वी ऑल नो कि हम पॉलिटिक्स में हैं, हम लड़ रहे हैं, हम इस देश की सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, या आप एजुकेशन हेल्थ पे काम करके ठीक नहीं कर रहे हो। तो उनको, मतलब जब आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको पावरफुल लोगों की हार्डशिप झेलने के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए, दैट आई वॉज फॉर दैट। लेकिन पर्सनल फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे, मेरी वाइफ का बीमार होना, ये 2002 से उनको बीमारी है, एंड डॉक्टर हैज़ इन 2002 ओनली हैज सजेस्टेड मी दैट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस
है उनको, तो एमएस की का एक ही सॉल्यूशन है, कोई इसका क्योर तो है नहीं, कि हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. तो दीज वर द वर्ड्स, की वर्ड्स फॉर अस टू सर्वाइव ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड. बट समहाउ बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा, इट वॉज अ ट्रॉमा फॉर हर, मेरे से ज़्यादा तो उसने झेला है. और उस वक्त फिर उसकी बॉडी की जो कंडीशन डिटोरिएट होती चली गई, इट वॉज पर्सनली मेरे लिए बहुत वो था. बट आई एम ग्रेटफुल टू माई फैमिली, अदर फैमिली मेम्बर्स एंड देन पार्टी लीडरशिप एंड एवरीबडी, कार्यकर्ता, सब लोग यहाँ आके बैठ के, वो हंसती थी तो हंस के जाते थे, रोती थी तो उसके साथ बैठ के रो जाते थे. तो इमोशनली सी वॉज फीलिंग लाइक आई एम नॉट अलोन, सो दैट वॉज अ गुड थिंग. बट सबसे ख़राब लगता था जब वकील खड़े, मैं कहता था सर मेरी वाइफ की बीमार, मैं मेरे वकील वहाँ सबमिट करते थे और उनकी तरफ से कहा जाता था कि जी ये आदमी तो सरकार में काम कर रहा था, ये अपनी वाइफ की केयर कब करता होगा, तो इसको क्या ज़रूरत है वाइफ की केयर, और लोग होंगे घर में केयर करने के लिए पहले से ही. सो वो बड़ा ख़राब लगता था कि यार आप सब लोग भी अपना अपना काम कर रहे हो, आपके घर में कोई बीमार है तो इट डजेंट मीन कि आप छुट्टी लेके उसके साथ बैठ रहे हो 24 घंटे कई साल तक. बीइंग टुगेदर इज एक्चुअली उस सेंस को वो समझ ही नहीं रहे थे, या फॉर पॉलिटिकल रीजंस इतना, मतलब वो थोड़ा मुझे पर्सनल अटैकिंग लगता था कि यार ऐसा क्या हो गया, मैं कोई आतंकवादी तो हूँ नहीं, मैं कोई ऐसा गद्दारी नहीं की है. हमारे घर का एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव रहा था और एंकरेज, मतलब कुछ करने के लिए, हार्डशिप सहन करने के लिए. वो बचपन से मेरे साथ आंदोलन में भी जाता था, जब छोटा था तो अन्ना आंदोलन से लेके उसने बहुत सारे प्रोटेस्ट में, बीइंग माय सन मेरे साथ होता था बहुत जगह. तो उसके अपब्रिंगिंग में वो नहीं था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ए सॉफ्ट लाइफ बींग ए सन ऑफ ए स्ट्रगलर और फाइटर. पर फिर भी आई कैन एज ए फादर आई फील लाइक ही इज़ इन द एज वेन आई मीन टीनेजर हु गोज टू कॉलेज, और कॉलेज में जाते हुए बच्चे जिस, मतलब स्कूल एज में बच्चे बहुत अलग तरह की डिमांड्स रखते हैं. कॉलेज का जो बच्चा होता है वो यूथ भी नहीं हुआ है अभी, अभी कमाने भी नहीं लगा है, बट उसकी नीड्स, उसकी इच्छाएँ, उसकी नए एनवायरनमेंट में उसकी ज़रूरतें बदलती हैं. तो मुझे लगता था अंदर बैठे बैठे मैं पूछवाता था कि कुछ चाहिए क्या है, तो ये सुनने में भी कोई ज़रूरत नहीं है. तो उस वक्त लगता था यार यही समय है जब इसको कुछ बियॉन्ड बॉक्स सोचने की ज़रूरत होगी, कि मैं अपने पापा से बोलूँ ये कर दो वो कर दो. ही वॉज नॉट एबल टू टेल दिस बिकॉज आई वॉज नॉट देयर, सो इट वॉज लिटिल पर्सनल थिंग. बट आई कैन से कि ये सब छोटा है, जितना जितना ट्रस्ट लोगों ने किया है, जितना प्यार रेस्पेक्ट लोगों ने दिया है ऑल ओवर दी 17 मंथ्स एंड अदरवाइज ऑल्सो, उस सब के सामने ये सब पर्सनल ट्रॉमास, तो ठीक है, हमको सबको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए इफ़ वी आर फाइटिंग फॉर सम कॉज. देखिए मेरा यही है कि दुनिया भर में आतंकवाद को रोकने के लिए और ड्रग माफियाओं को, तस्करी को रोकने के लिए, उनकी फंडिंग को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं. ये सब कानून हमारे देश में भी उसी मेंटेलिटी के साथ बनाए गए थे, लेकिन आप इनका मिसयूज़ पॉलिटिकल राइवलरी के लिए करने लगे, उनको पॉलिटिकली लोगों को, अपोनेंट को क्रश करने के लिए करने लगे, और साथ साथ में बिजनेस कम्युनिटी से चंदा और एक्सटॉर्शन के लिए करने लगे, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. ये दुनिया में नहीं होता है, मतलब जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में इस तरह के कानून है, वहाँ नहीं होता है. तो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को और बिजनेस ट्रेडर्स को एक्सटॉर्ट करने के लिए ये सब बंद हो, इस पर मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ज़रूर कुछ कंसीडर करेंगे. और जब आप किसी ऑफिसर को, एजेंसी को पावर टू अरेस्ट देते हैं और फिर बेल के कंडीशन इतने स्ट्रिक्ट बना देते हैं कि इतनी मुश्किल से बेल होती है, फिर जाके उसमें सख्त से सख्त कानून बनाते हैं बेल को लेके भी, फिर आपको ऑफिसर की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए कि वो ऑफिसर किसी के दबाव में आके पॉलिटिकल अपोनेंट या किसी पार्टी को चंदा दिलाने के लिए नोटिस नहीं देगा किसी बिजनेसमैन को, और नोटिस देगा तो फिर जिम्मेदारी भी लेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए. और हाउ कैन वी मेक देम फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लचेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी सुप्रीम कोर्ट विल कंसिडर ऑल दिस. बीजेपी की पूरी कोशिश इनकी यही है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को
एंड साथ साथ मुझे भी, संजय जी को भी रखा, सत्येंद्र जैन जी को भी, कि चुनाव से पहले बाहर ना आने दिया जाए, इनकी पूरी कोशिश यही थी। पर अगेन एज आई सेड इन द बिगनिंग, आई एम ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जिसने सेक्शन 45 PMLA जैसे स्ट्रिक्ट कानून मेरे ऊपर थोपने के बावजूद संविधान को प्रिवेल कराया, डेमोक्रेसी को प्रिवेल कराया, सिटी मतलब एक फ्री ह्यूमैनिटी को प्रिवेल कराया। वैसे ही अब ईडी के केस में CM साहब की जमानत हो गई, नीचे से जमानत हो गई, तो जमानत का ऑर्डर भी नहीं आया तब तक ये लोग हाईकोर्ट चले गए, और उसके साथ साथ जब इनको लगा कि अब ईडी के केस में तो बाहर आने वाले हैं, इन्होंने तुरंत लगा कि अब इनको कैसे रोका जाए, तो CBI के केस में उनको, सारा केस फर्जी है पर लगा दिया, आपके पास एजेंसी है, आपके पास पावर है, आप लगा सकते हो। इस पावर का मिसयूज़ कर करके केजरीवाल जी को अंदर रखा हुआ है, वरना एक मिनट भी उनका अंदर रहने का कोई ना तो चांस है ना गुनाह है। तो आई एम श्योर कि अब जो मेरे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी प्रिवेल्स एवरीथिंग, एवरी स्पेशल क्लॉज ऑफ द लॉ, आप किसी को एंडलेस ऐसे नहीं रख सकते हैं और बिना सबूतों के तो बिल्कुल ऐसे कैसे रख सकते हैं, ठीक है ट्रायल अपना टाइम लेगा, आप ट्रायल चलाते रहिए, ट्रायल में कोई गिल्टी पाए तो उसको जेल भेजिए, लेकिन सिर्फ अरेस्ट कर करके लोगों को जेल में डालते रहिए। तो इस पर CM साहब का भी जजमेंट जो होगा वो भी एक लैंडमार्क जजमेंट होगा के बारे में जो आएगा, और उनको भी जल्दी मिल जाएगी जमानत। मैं जब जेल में था तो मेरे अपने असेसमेंट थे, अजम्पशंस थे कि नीचे क्या हो रहा होगा। जब बाहर लीडर्स से मिला, अपनी पार्टी के लोगों से मिला, तो एक अलग तरीके की अजम्पशन और क्लैरिटी आई, उसमें और सुधार हुआ। जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो लोगों से एक चीज़ निकल के आ रही है कि यार केजरीवाल जी 8 साल तक काम कराते रहे हमारे, BJP ने मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश की थी बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी से लेके स्कूल बनाने में भी, जब हमने अच्छे कमरे बनाने शुरू किए तो उन्होंने रोकने की कोशिश की कि नहीं इतने अच्छे कमरे बनाने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही घटिया घटिया से कमरे बना के खड़े कर दो जैसे सरकारी स्कूलों में होते हैं। उन्होंने हर चीज़ को रोकने की कोशिश की, और अरविंद जी ने, केजरीवाल साहब ने उसको लड़ लड़ के कराया, वो LG से लड़े, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़े, जहाँ कोर्ट से लड़ने की जरूरत थी कोर्ट मतलब कोर्ट के थ्रू लड़ने की जरूरत थी वहाँ कोर्ट के थ्रू लड़े, और जहाँ सड़क पे खड़े होकर इन BJP से लड़ने की जरूरत थी वहाँ BJP से लड़े, लेकिन वो काम कराए। अनफॉर्चुनेटली अब CM साहब जब अंदर हैं तो वो लड़ाई जो है नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से निश्चित रूप से कुछ काम सफर हुए, और आई एम श्योर कि जिस स्पीड से 8 साल से काम हुए थे, 1 साल में जो सफ़र हुआ है, CM साहब बाहर आएंगे तो उसको भी करेंगे, और जो बहुत सब कुछ उन्होंने अभी जेल में बैठ के सोचा होगा दिल्ली के लिए वो भी करेंगे। नहीं, ही इज सजेस्टिंग, मिनिस्टर्स उनसे मिलते हैं और भी लोग होते हैं, तो ही इज नॉट बेसिकली, अब तो सारे मिनिस्टर्स को पता है कि CM साहब की, क्योंकि हम सब लोग जो और भी जो मिनिस्टर्स हैं लंबे समय से CM साहब के साथ काम कर रहे हैं, केजरीवाल साहब के साथ, तो सबको पता है कि केजरीवाल जी का इंटेंट किस स्कीम के पीछे क्या है। पर जैसा मैं आपको बोला कि मेन चीज़ है कि जब BJP काम रोकती है, LG के थ्रू रोकेगी, ऑफिसर्स के थ्रू रोकेगी, तो उसको करवाने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो लड़ाई लड़ने वाला अभी जेल में है। तो BJP ने चाल ये चली है कि यार ये आदमी बाहर रहता है तो इनको ये ना लड़ लड़ के भी काम करा लेता है, इसने जो सोचा दिल्ली के लोगों के लिए वो करके दिखाया, तो वो अब अंदर हैं तो उसका फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो दिल्ली के लोगों के लिए काम शुरू हुए, जैसे फ्री बिजली है, आज भी लाखों लोगों को मिली रही है, बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ लोगों का इलाज हुआ, सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑनगोइंग वर्क थे। जो अगर आप देखें तो डिसिल्टिंग नहीं हुई, पानी की प्रॉब्लम्स आई, सीवर की लोगों की ब्लॉकेज हो रखी है, मैं गलियों में जा रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ लड़ने की ज़रूरत थी, ये फंड रोक के बैठे हैं CM साहब की एब्सेंस में, उसमें CM की ज़रूरत नहीं है टेक्निकली देखें तो, ऑन पेपर तो बस फाइनेंस सेक्रेटरी को रिलीज़ करना है और दिल्ली जल बोर्ड को पैसा जाना है, लेकिन CM साहब होंगे तो आएंगे तो उसको और लड़के कराना पड़ेगा फिर LG से और BJP से। आर देखो TBR में ना मिनिस्टर्स आर एम्पावर्ड टू रन देयर डिपार्टमेंट,
अब अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो पेंच डाल दिया जीएनसीटीटी एक्ट में संशोधन करके, वो अनडेमोक्रेटिक है, उसकी वजह से फिर अब एलजी एम्पावर्ड हो गए। नहीं तो पुराने सिस्टम में टीबीआर में मिनिस्टर्स वर एम्पावर्ड, तो डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर्स अपने ऑफिसर्स के साथ काम कर सकते हैं। नई पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी तो कैबिनेट और सीएम साहब, अब एलजी साहब के साथ ये हो गया कि कोई काम करना होता है तो सीधे मिनिस्टर से काम मंगा लेते हैं फाइल, और जब रोकना होता है तो बोलते हैं नहीं जी सीएम के थ्रू भेजो। तो अब उन्होंने तय कर रखा है। सो बीजेपी और ये जितना कोई काम रुक रहा है या पैरालिसिस है अगर कहीं कुछ, तो वो एलजी और बीजेपी के रवैये की वजह से है। और कोई चीज़ रुक रही है तो फिर सीएम साहब आएंगे, उसको बाहर क्लियर कर ही लेंगे। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम नाउ। अब आप बाहर हैं सर, आपकी व्हाट आर योर फोर मोस्ट प्रायोरिटीज नाउ? माय प्रायोरिटी इज नाउ लाइक आई मीन पर्सनली आल्सो एंड फॉर पार्टी आल्सो टू गो टू द पीपल। एक बार मैं तो खूब पहले भी दिल्ली में घूमा हूँ, खूब यात्राएं की हैं, मैं स्कूलों में रहता था, मोहल्लों में लोगों से मिलता रहता था। अभी मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि 17 महीने का एक डिस्कनेक्ट पर्सनल किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए बड़ा पीरियड है। तो मैं वापस अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, एंड आई एम ग्लैड कि पिछले 7-8 दिन में मैंने जितनी पदयात्राएं की हैं उन सब में लोग बस हर जगह से ऑलमोस्ट बच्चे तक बोल रहे हैं वेलकम बैक सर। फिर कोई कंसर्न होता है तो पूछ लेता है ठीक हो जी, जेल में ठीक से रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब वो जो कंसर्न है लोगों का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर कि भाई केजरीवाल जी को भी जल्दी ले आओ, अब तो आ जाएंगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो सेंटिमेंट है, मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, मिल रहा हूँ, उससे मुझे समझ में भी आ रहा है कि गवर्नेंस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रही है तो, और क्या चीज़ अच्छी हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो पाई है, क्या लोग क्या सोच रहे हैं, ये मुझे पदयात्राओं में खूब समझने को मिल रहा है। तो मेरी प्रायोरिटी भी अभी तो अभी यही है कि मैं लोगों के बीच रहूँ। नहीं देखो, हर इलेक्शन के अपने अपने डायनेमिक्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा कारण इस बार रहा, पर देखें तो 14, 17, 14, 19 और 24 तीन इलेक्शन हमने दिल्ली में लड़े हैं, और तीनों इलेक्शंस में हमें कोई वोट नहीं पड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 14 में नहीं पड़ा। जब 15 में विधानसभा इलेक्शन हुआ तो हमें 67 out of 70 मिली, मतलब हिस्टोरिकल मेजोरिटी थी। वैसे ही 19-20 में भी हुआ, 19 में हमें नहीं मिला, जबकि 19 का 20 का इलेक्शन लोगों ने एकदम कहा भाई काम बहुत किए हैं और हम तो बस केजरीवाल जी को लाएंगे, हमें भरोसा है। 19 में फिर भी एक भी सीट नहीं मिली थी, सरकार तो वैसे ही चल रही थी। सो उसको ऐसे समझना, मतलब दिल्ली में कहीं ना कहीं वो पैटर्न दिल्ली के लोगों ने कायम रखा कि भाई हम अभी केजरीवाल जी को लोकसभा में नहीं ला रहे हैं या केजरीवाल जी के नाम पर दे रहे हैं। उसमें आप सिंपैथी नहीं मिली ये भी कह सकते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी में कहीं कोई ऐसी चीज़ थी, या शायद हम नब्स पकड़ने में अभी कामयाब नहीं हुए लोकसभा की, क्योंकि तीनों इलेक्शन का रिजल्ट एक जैसा ही रहा है। जिस समय हम पहला चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी, जब हम 5 साल जनता ये कह रही थी काम बहुत किया है उस समय भी, और अब जबकि केजरीवाल जी अंदर हैं, मैं भी अंदर था, और ये सब पॉलिटिकली सबसे टफ टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं। बट आई एम ग्लैड कि अभी दिल्ली के लोग ये को मन में ये सवाल है नहीं, वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हैं कि केजरीवाल जी को जल्दी से लाओ बाहर, एंड इलेक्शन आ रहे हैं। एक्चुअली लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा है, सबको यही लग रहा है कि मतलब लोगों के बीच में भी कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे केस बना, हमारे ऊपर बहुत केस लगाए थे पहले भी और बहुत सारे कोर्ट्स ने ख़त्म कर दिए कि बकवास हैं, बहुत सालों में तो एजेंसीज़ के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हुए कि ये क्यों लगाया, इसका मतलब आप बायस थे कहीं ना कहीं, ये अभी तक का सबसे बड़ा केस है। तो हमारे कॉन्फिडेंट होने के दो ही कारण हैं कि इस पूरे क्राइसिस के दौरान हम कॉन्फिडेंट हैं और रहे और आगे के लिए भी हैं, कि एक तो गलत नहीं किया तो इसलिए डरना किस चीज़ का, और दूसरा हमारी टीम जानती हैं, कार्यकर्ता जानते हैं कि साहब गलत नहीं किया तो फिर हम टूटे भी नहीं। तो कार्यकर्ता लीडर्स टूटे नहीं, ए हमने गलत नहीं किया, अंदर का ये कॉन्फिडेंस। तो इस सब के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है लोगों में, लोग समझदार हैं, कन्फ्यूज नहीं है इस चीज़ को लेकर। केजरीवाल जी का लोगों के प्रति जो कंसर्न है कि भाई महंगाई बढ़ती है तो उनको उनके ऊपर बच्चों के एजुकेशन का खर्च नहीं आना चाहिए, उनके ऊपर हेल्थ का खर्च नहीं आना चाहिए, उनके बिजली का खर्च नहीं आना चाहिए, इवन जो बहुत गरीब लोग हैं उनके
ऊपर तो महिलाओं के ऊपर बस ट्रेवल का खर्च भी नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें केजरीवाल जी ने की हैं। उसके अलावा इन सब देखिए, ये भी एक तरह की इकोनॉमिक मॉडल है। इस इकोनॉमिक मॉडल में दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, अगर आप नेशनल इंडेक्स को देखेंगे तो सबसे कम महंगाई की दर दिल्ली में है, रोज़गार की हालत दिल्ली में सबसे बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की गवर्नेंस से दिल्ली का हर आदमी बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट ले रहा है, और यही गवर्नेंस लोगों को चाहिए थी। टैक्स चोरी नहीं हो रही है, 29,000 करोड़ का बजट हमको मिला था 10 साल पहले, आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपये है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, हम सब लोगों का पॉलिटिकल संकट, कोरोना, इकोनॉमिक स्लोडाउन, उस सब के बावजूद हम 29,000 करोड़ के बजट से सीधे धीरे धीरे करके 10 साल में 75,000 करोड़ रुपये के बजट को क्रॉस कर गए। तो ये सारी दिल्ली के लोगों ने देखी हैं चीज़ें, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। सो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब अब गलियों में जा रहा हूँ, सड़कों पर जा रहा हूँ, तो लोग ही कह रहे हैं, मतलब इट्स बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन कि लोग जो मेरे डायरेक्ट कार्यकर्ता भी नहीं हैं, जो सड़क पे सब्जी खरीदने आए हुए हैं, मैं पदयात्रा में जा रहा हूँ या ऑफिस से कहीं से वापस आ रहे हैं या शाम को घूमने के लिए निकले हुए हैं गली में, वो मिलते हैं मुझे और गले लग के रो पड़ते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। सो दैट लव, मतलब उसके सामने फिर मैं ईमानदारी से कहूँ तो अपना तो सारा एफर्ट सारा बहुत छोटा लगता है। हमें लगता है इतना सा क्या लोग इतना प्यार कर रहे हैं, दैट्स बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। होता है कि कोई आदमी कोई एक लड़ाई लड़ रहा है और उसके ऊपर एक इस तरह का संकट आए कि उसको जेल जाना पड़े, तो उसकी फैमिली उस बैटल को आगे लाने में मदद करे। बिना किसी लोभ लालच के सुनीता जी ने जिस तरह से फ्रंट पे रह के अरविंद जी की फीलिंग्स को, अरविंद जी के सेंटीमेंट्स को लोगों तक पहुंचाया है, वो बहुत सक्सेसफुल किया है उन्होंने। एंड उसका जनता में एक कनेक्ट पैदा हुआ है कि हाँ, अरविंद जी ये सोच रहे हैं या अरविंद जी से हमारा तो रिश्ता है। तो मुझे लगता है वो काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। बट नाउ व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग अरविंद केजरीवाल जी विल बी आउट वेरी सून, सो आई डोंट थिंक कि फिर वो ज़रूरत पड़ेगी कि वो सुनीता जी उनके वॉइस को, उनके मैसेज को आगे पहुँचाएँ। ही हिमसेल्फ विल कनेक्ट विद द पब्लिक।